सकते हैं राहुल गाड़ी धो रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग तो बढ़िया होंगे। तो चलिए आज को ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सुबह का टाइम है, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। तो आप देख सकते हैं हम ब्रश व्रश करके रेडी हो गए हैं। खाना में क्या क्या बना है तो देख लेते हैं पहले। तो चलिए अभी तक तो बना नहीं है, देख सकते हैं खाना उधर वो बन गया है, इधर सब्जी हो रहा है। तो कोई नहीं, चलिए खाना बनने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तब हम लोग गाड़ी को धोने के लिए जाएंगे नदी। तो गाइस मम्मी तभी से बोल रही कि तेरा सर पे जू हो गया है, और मेरा कहना है कि मेरा सर पे जू नहीं हुआ है। तो क्या मैं मेरा सर पे जू है? नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अगर जू होगा तो यहाँ पता चल जाएगा। तो गाइस हमको लगता है कि मेरा सर पे एक भी जू नहीं है, मगर मम्मी ज़बरदस्ती जिद्दी लगा के बैठी हुई है कि तेरा सर पे जू है। तो गाइस देख सकते हैं कहीं नहीं है, अभी तक एक भी जू नहीं निकला है। नहीं गाइस हम डेली नहाते हैं, आप लोग को विश्वास हो या नहीं हो, बस मेरे बेइज्जती के लिए मम्मी सब इतना बोल रही है कि हम नहीं नहाते। देख सकते हैं अगर हम नहीं नहाते तो मेरा बाल इतना फ्रेश नहीं रहता। फ्रेश कहाँ है, देखिए ना लतर लतर कर रहा है। कहीं नहीं घुस रहा है बाल। तो गाइस हम आप लोगों को एक बात बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो बात क्या है चलिए आप लोग को बताते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता होगा, नहीं अच्छा लगता होगा। अच्छा इसलिए नहीं लगता होगा क्योंकि मेरा आवाज़ के कारण। तो गाइस आप लोग को बताते हैं कि हम बिना माइक का वीडियो शूट करते हैं, तो मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो को देखना उतना पसंद नहीं करते होंगे हमको पता है। तो इसीलिए मैं कल ही एक माइक का ऑनलाइन किए हैं, तो अब देखते हैं कब तक ले आता है। तो जब आ जाएगा तब आप लोग को बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलेगा देखने के लिए, और बहुत ही मज़ा आएगा तब आप लोग को ब्लॉग में। तो अभी उतना मज़ा नहीं आता होगा गाइस, तो उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं। एंड जब माइक आ जाएगा तो आप लोग को अनबॉक्सिंग करेंगे, सब दिखाएंगे आप लोग को, उसका भी ब्लॉग आएगा जब मेरा माइक आ जाएगा मेरे पास फाइनली तब। तो मेरा खाना आ चुका है, तो चलिए पहले खाना खाते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस हम खाना खाए थे और बहुत ही कस के नींद आ रहा था, तो इसलिए हम सो गए थे। और आज घर में सब कोई आज कोई काम पे नहीं गया है, तो सब घर में ही है। तो चलिए पहले हम फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा नदी गाड़ी धोने के लिए। लगता है मम्मी का बहुत कस के बदन दर्द दे रहा है, तो चलिए पूछते हैं। मम्मी बदन दर्द दे रहा है? हाँ। देख सकते हैं गाइस मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, भैया दबा दे रहे मम्मी का बदन। गाइस हम मस्त खाना वाना खा लिए दोपहर का, अब चलिए अब चलते हैं गाड़ी धोने के लिए, हम और मामा जाएंगे। तो गाड़ी धोने का सामान ले लेते हैं, देख सकते हैं मेरा पास शैम्पू भी है और डब्बा वब्बा ले लेंगे। तो चलिए इधर डब्बा है, डब्बा और ये ब्रश, और कुछ नहीं चाहिए बस। अब चलिए पहले गाड़ी निकालते हैं और अब आप लोगों से सीधा रोड में मिलते हैं। तो अब हम लोग तीन जन जा रहे हैं, भैया का भी जाने का प्लान बन गया, भैया भी है तो देख सकते हैं भैया भी ड्राइव करेंगे। हम फाइनली नदी पहुंच गए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग का नदी का व्यू। तो देख सकते हैं भैया उधर गाड़ी अब लगाएंगे, पार्क करेंगे, उसके बाद हम धोएंगे। हम लोग का नदी कुछ इस तरह से है, तो अभी यहीं पे गाड़ी धोना है। भैया लेके जा रहे हैं गाड़ी, बहुत ही गंदा हो गया था, करीबन 10 दिनों से गाड़ी को धोए नहीं थे। हम लोग रेडी हैं गाड़ी धोने के लिए, तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को धोते हैं। आई एम रेडी। तो चलिए सबसे पहले धोने का सारा सामान ले लेते हैं। आप पे डब्बा है, शैम्पू है,
और साबुन भी है, तो साबुन रख देते हैं पहले। मैंने सफाई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं राहुल गाड़ी धो रहा है, गाड़ी काफ़ी गंदा उड़ गया था, तो बरसात का दिन है इसलिए गाड़ी धोने के लिए आए नाती। तो गाइस हम बहुत ही मस्त गाड़ी धोते हैं, अगर आप सभी को किसी को धुलवाना हो तो संपर्क करें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम लोग के नदी में कम पानी देखने को मिल रहा होगा, बारिश नहीं होने के कारण हम लोग के नदी में कम पानी आ रहा है। फ्रेंड हम लोग अपना गाड़ी फाइनली पूरा मस्त से धो लिए, पूरा चकाचक हो गया हम लोग का गाड़ी, पूरा क्लीन नजर आता होगा। चलिए गाइस सब सबसे पहले नहा लेते हैं, गाड़ी तो फ्रेश हो गया, हम भी अब थोड़ा हो लेते हैं फ्रेश, उसके बाद सीधा चलेंगे घर। तो गाइस हम नहा करके फाइनली तैयार, अब नहा लिए, अब चलिए चलते सीधा घर। तो गाइस हम नहा लिए, अब हम लोग आए थे करीबन 2 बजे, और अभी टाइम कितना हो रहा है देखते हैं। देख सकते हैं गाइस 4 बजने वाला है, तो देख लिए आप लोग 4 बजने वाला है, हम लोग को काफ़ी लेट हो गया है। तो अब चलिए पहले सबसे पहले जा कर के हवा चेक करवा लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद सीधा चलेंगे घर। तो बने रहिए तब तक के लिए। तो गाइस अभी अब भैया बोल रहे हैं कि अभी हवा नहीं चेक करवाना, अब सीधा घर चलना, काहे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो और कभी होगा तो हम लोग चेक करवा लेंगे, तो कोई नहीं चलिए घर। तो गाइस हम लोग नदी से घर जा रहे थे, तो हम लोग के गांव में जो ग्राउंड है वहां पे मैच हो रहा था क्रिकेट मैच, तो हम लोग वहीं पर देखने के लिए रुक गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं। तो गाइस हम नदी से फाइनली घर आ गए, देख सकते हैं आप लोग सोचते होंगे नहाए मगर ड्रेस चेंज नहीं किया, हम ड्रेस चेंज इसलिए नहीं किए थे क्योंकि हम नदी तो चल गए थे मगर ड्रेस ले जाना भूल गए थे, तो कोई कपड़ा नहीं लेके गए, इसीलिए हम कपड़ा चेंज नहीं किए। तो चलिए आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दे, और तो और बेल आइकन को ही दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।